हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इन अ पेंटिंग थ्योरी। टुडे वी विल डिस्क्राइब द पेंटिंग फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। दिस इज द फाल्कन, यानी कि ये एक बाज पक्षी है, ईगल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये जहांगीर के टाइम पीरियड की पेंटिंग है और उस्ताद मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया। ये चित्र 1618 एडी में बनाया गया है, टेम्परा विधि में बनाया गया है, वाटर कलर ऑन पेपर है और महाराज सवाई मान सिंह म्यूज़ियम जयपुर में सुरक्षित है। मुग़ल काल की ऑल पेंटिंग्स बच्चों नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित हैं, लेकिन इस पेंटिंग के लिए आप विशेष ध्यान देंगे कि ये जो पेंटिंग है सवाई मान सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह म्यूज़ियम जयपुर में सुरक्षित है। उस्ताद मंसूर पक्षियों की चित्र रचनाओं में सिद्धहस्त कलाकार थे। और इस पक्षी के बारे में स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, ये जो बाज पक्षी है वो जहांगीर का बहुत अधिक प्रिय पक्षी था और जहांगीर इससे बहुत अधिक प्रेम करता था। और ये एक पालतू बर्ड थी, बर्ड रेस्ट पर बैठी हुई है, इसकी गले में डोरी बंधी हुई है, इससे भी पता लगता है कि ये एक पालतू बर्ड है। और जहांगीर को पक्षियों को पालने का, उन्हें दाना खिलाने का उनसे बहुत ही शौक था, पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, प्रकृति से ही बहुत अधिक प्रेम करता था। उसके टाइम पीरियड में प्रकृति चित्रण बहुत अधिक हुआ है। जहांगीर के टाइम पीरियड में जहांगीर की पत्नी नूरजहां स्वयं प्रकृति प्रेमी थी। और जहांगीर के टाइम पीरियड में बच्चों हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, गार्डन्स बहुत अधिक बनाए गए। तो ये जो बर्ड है इसकी मृत्यु एक बिल्ली के आक्रमण से हो गई थी, और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद जहांगीर ने इसका चित्र, इसकी छवि, इसकी याद के आधार पर कलाकारों से कहकर बनवाई। और यह छवि इतनी अधिक सुंदर है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यह चित्र भारत को एक नई पहचान दिलाता है। यह चित्र देखने में आपको यहाँ बहुत अधिक आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है, जब आप इसको म्यूज़ियम में देखेंगे तो बर्ड के जो पंख हैं उनके एक एक बाल को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि कोरी आँखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो संपूर्ण बैकग्राउंड को ऑरेंज, येलो ऑकर और येलो कलर के शेड्स में बनाया गया है। आसमान में हल्के बादल सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं, अन्य पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया गया है। और यह बर्ड, बाज पक्षी बर्ड रेस्ट पर बैठा हुआ है। इसकी आंखें अत्यधिक भावयुक्त हैं, इसकी चोंच बहुत अधिक तीखी नुकीली बनी हुई दिखाई दे रही है, सफ़ेद, हल्के भूरे, ब्राउन और गहरे नीले और काले रंग का प्रयोग बर्ड रेस्ट, बर्ड को बनाने के लिए किया गया है। बर्ड रेस्ट पर जो गद्दी है वो हरे रंग की बनाई गई है और स्थान स्थान पर कुछ लिपि कार्य भी किया गया है। और ये जो लिपि कार्य है वो ऊपर जहांगीर पास्या और बीच में बहरी और अंत में उत्तम, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि कलाकार अपना कहीं कहीं लेखन कार्य भी किया करते थे। और चित्र को बनाने के बाद फिर इसमें फुलकारी डिज़ाइन में, फ्लोरल डिज़ाइन में बॉर्डर भी बनाया गया है। बॉर्डर, इसको हाशिया भी कहते हैं, तो बॉर्डर की रचना की गई है। बॉर्डर बनाकर चित्र को बाकायदा फ्रेम किया गया है। अत्यधिक सुंदर चित्र है, बारीकी की दृष्टि से जहांगीर के टाइम पीरियड में बहुत अधिक बारीकी कलाकारों ने अपने चित्रों में ऐड की थी। अकबर के टाइम पीरियड में इतनी अधिक बारीकी नहीं थी और रंगों में चमक अकबर के टाइम पीरियड की अपेक्षा जहांगीर के टाइम पीरियड में बने हुए चित्रों में अधिक चमक दिखाई भी देती है। जहांगीर रंगों को फारस और तुर्की से भी मंगाया करते थे, जिनको कलाकार प्रयोग करते थे, इसलिए जहांगीर के टाइम पीरियड के बने हुए चित्र बहुत अधिक ब्राइट दिखाई देते हैं। रजत और स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग किया गया था, ऐसा हमें इस चित्र के बॉर्डर में भी दिखाई दे रहा है। रजत और स्वर्ण रंगों से चित्र की वैल्यू और अधिक बढ़ जाती थी और चित्र शाही दिखाई देते थे।